हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज डिस्कशन करिबा फिजिक्स रो इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रो सबुजाक प्रीवियस क्वेश्चन आज आम गोटे क्लास रे पढ़िबा, जोटा कि सब गवर्नमेंट एग्जाम रे 4-5 डायरेक्ट आसुची। सब पिला क्लास करिया पई वो चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन को ऑन कर दियो, जहाँ फल मोर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे देखिपर एवं पाइपर पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल ले सब पिला जॉइन करो। टेलीग्राम रो लिंक वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे देजी। वीडियो को फुल देखो, जहाँफल 4-5 मार्क डायरेक्ट एग्जाम रे पाइबो। वीडियो को बहुत मात्रे लाइक करो एवं सांग मानक सहित शेयर करो। फास्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। क्यों डिवाइस रे करंट मेजर करा जाए, तार आंसर हम गाल्वानोमीटर। गाल्वानोमीटर डिवाइस डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। गाल्वानोमीटर हो इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट वेरी लो करंट। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप इन इट। एमीटर कौन? एमीटर हो इट मेजर करंट पैसिंग थ्रो ए सर्किट। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। वोल्टमीटर हो इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ कंपोनेंट अक्रॉस व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर। तापर आसा इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर हो इट मेजर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ दिस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एटा प्राय एग्जाम पढ़े। देखो से कहे क्यों डिवाइस रे केमिकल एनर्जीटा कन्वर्ट हे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तार आंसर हम बैटेरी और सेल। इन बैटेरी और सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी नो दैट ए बैटेरी और सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द बैटेरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंबल ऑफ अ बैटेरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एटा बैटेरी सिंबलटा देखो। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू मेकानिकल एनर्जी बाय द मोटर हम आज जेनेटर कन्वर्ट द मेकानिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउ इलेक्ट्रिक जेनेटर इज अल्सो कॉल्ड डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू ट्रांसफर केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। से कहे क्यों डिवाइस रे केमिकल एनर्जीटा कन्वर्ट हे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तार आंसर बैटेरी। इन बैटेरी इज यूज टू ट्रांसफर केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक डिवाइस है एक ट्रांसफर्सन हम एनर्जी है। कैंडेला कौन हम? कैंडेलटा हो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू लाइट एंड हिट एनर्जी। फोटो सेलटा हो सोलार एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम। बैटेरी हो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम। इलेक्ट्रिक मोटरटा हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू मेकानिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तार आंसर हम इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिक सेल डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेनेटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स डैश। देखो जेनेटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मेकानिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द जेनेटर कन्वर्ट्स द मेकानिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जेनेटर वाज इनवेटेड बाय माइकल फाराडे। हिट इंजिन इज यूज टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी टू मेकानिकल एनर्जी। एन इलेक्ट्रिक हिटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हिट एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मेकानिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेनेटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स डैश। देखो जेनेटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मेकानिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जेनेटर वर्क्स ऑन डैश प्रिंसिपल। तार आंसर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तेल मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जेनेटर वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। एंड इलेक्ट्रिक जेनेटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक जेनेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मेकानिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम
an external source into electrical energy as the output. It is significant that the first electromagnetic generator, the Faraday Dix, was invented in 1831 by the British scientist Michael Faraday. Next question dekho, which of the following device is based on the phenomenon of electromagnetic induction? ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଫେନୋମେନା ଚାଲୁଛି, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜେନେରେଟର। ଜେନେରେଟର ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଫେନୋମେନନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡାଇନାମୋ। ଡାଇନାମୋ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଦେଖ, ଏକରେ ଡିଭାଇସ୍ ଥିଲା, ଏକରେ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଡାଇନାମୋଟା ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନ୍ଭର୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଫଟୋସେଲ୍ଟା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି କନ୍ଭର୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି କେମିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନ୍ଭର୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର୍ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ମେଜର୍ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମିଟର। ଆମିଟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଆଇଦର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ। ଦ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେମ୍ ଫର୍ ଦ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆମ୍ପିୟର, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଏ। ଦ ଆଇଡିଆଲ୍ ଆମିଟର ହାଜ୍ ଏ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦ ଆମିଟର ହାଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଡ୍ୟାଶ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଦ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଟିଂ ଆପ୍ଲିଏନ୍ସ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ। ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଦ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଟିଂ ଆପ୍ଲିଏନ୍ସ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ? ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍, ବଲ୍ବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟେଲ୍, ଏରା ସବୁ କ'ଣ? ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ। ୱେନ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପାସ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିକମ୍ସ ହଟ୍ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହିଟ୍। ଦିସ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ୟାସିଂ ଥ୍ରୁ ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଦ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି। ଦିସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ନେସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍, ଗିଜର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟେଲ୍, ୱାର୍କ ଅନ୍ ୟୁଜିଂ ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କରେଣ୍ଟ। ଦ ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଅ ଫ୍ୟାନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅ ଡ୍ୟାଶ। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ସର୍କିଟ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପାରାଲାଲ୍। ଇଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ହାଜ୍ ଏ ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ନେଗ୍ଲେଜିବୁଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସର୍କିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କନ୍ଭର୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ? ମାନେ ଏସିରୁ ଡିସିଟା କିଏ କନ୍ଭର୍ଟ କରେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରେକ୍ଟିଫାୟର। ରେକ୍ଟିଫାୟର ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କନ୍ଭର୍ଟ ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ଡିସି, ଡିସି ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ। ଏ ରେକ୍ଟିଫାୟର ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କନ୍ଭର୍ଟସ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଏସି ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିଓଡ଼ିକାଲି ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଡିସି ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଏସି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିଓଡ଼ିକାଲି ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେଚ୍ୟୁଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଡିସି ଇଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍। କାପାସିଟର ଦେଖ, ଏ କାପାସିଟର ଇଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ। ରିଓଷ୍ଟାଟ କ'ଣ? ରିଓଷ୍ଟାଟ ହେଉଛି, ରିଓଷ୍ଟାଟ ଇଜ୍ ଏ ଭେରିଏବୁଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ। କ୍ୟାଲୋରିମିଟର ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର୍ ଦ ହିଟ୍। ଆମର ହିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମେଜର୍ କରାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲୋରିମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏସି ଇଜ୍ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିସି ବାଇ ଡ୍ୟାଶ। ଏସି ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରେଣ୍ଟ, ଡିସି ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରେକ୍ଟିଫାୟର। ଏସି ଇଜ୍ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିସି ବାଇ ରେକ୍ଟିଫାୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଡ୍ୟାସିଂ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନ୍ଭର୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କନ୍ଭର୍ଟସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଟୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोटेक्ट ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स। तार आंसर हम सर्ज प्रोटेक्टर। सर्ज प्रोटेक्टर हूँ सर्ज प्रोटेक्टर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट आम कौन मेजर करवा, तार आंसर हम एमीटर। एमीटर डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तार आंसर हम कैपेसिटर। कैपेसिटर कंपोनेंट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तार आंसर हम इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर आर बेस्ड ऑन द हीट इफेक्ट ऑफ द करंट। इन दिस डिवाइस फिलामेंट ऑफ निक्रोम इज यूज्ड टू व्हिच मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन द हीटर सो इट गेट्स हॉट एंड इमिट्स हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोटर इज इनकरेक्ट। आपको कौन स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक मोटर रो भूल अच्छी। देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मेकानिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर, ये ठीक अच्छे। सेकेंड देखो, डायरेक्ट करंट एंड यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक मोटर दिज आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये ठीक अच्छे। किंतु ऑप्शन सी टा देखो, इलेक्ट्रिक मोटर आर ड्रिवन ओनली बाय डिफरेंट डायरेक्ट करंट, ये भूल अच्छी। तार आंसर हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब होती फिलामेंट, इलेक्ट्रिक हीटर होला, इलेक्ट्रिक आयरन होला, एरा सब जगह कौन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किंतु माइक्रोवेव, माइक्रोवेव डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए हीटिंग एलिमेंट लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एसेट्रा दैट इट गेट हीटेड हम बाय जूल्स हीट लॉ। तार फॉर्मूला होची एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और आई टा होची करंट, आर होची रेजिस्टेंस, टी टा टाइम, आ एच टा होची हीट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मेकानिकल एनर्जी। आपको कौ डिवाइसटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रु कन्वर्ट कर मेकानिकल एनर्जी, तार आंसर हे इलेक्ट्रिक फैन। द इलेक्ट्रिक फैन इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मेकानिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट एमिटर शुड बी डैश। तार आंसर हम वेरी लो। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट एमिटर मस्ट बी वेरी लो। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज जीरो। द लोअर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर द फाइनर द वैल्यू ऑफ द रीडिंग ऑफ द करंट। द एमिटर इज प्लेस्ड इन द सीरीज ऑर्डर ऑफ द सर्किट बाय व्हिच वी मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्यों इंस्ट्रूमेंट आम इलेक्ट्रिक करंट मापिबा बा मेजर करिबा, तार आंसर होची एमिटर। एमिटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश कॉमनली यूज टू इन इलेक्ट्रो हीटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रो हीटिंग डिवाइस रे आम कौन व्यवहार करती, तार आंसर हम निक्रोम। जनरली निक्रोम इज यूज इन इलेक्ट्रो हीटिंग डिवाइस बिकज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम एंड अलॉय मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ निक्रोम, निकेल, क्रोमियम एंड आयरन। इट इज यूज टू मेक ए रेजिस्टिविटी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तार आंसर हम इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक बेल इज मेड ऑफ मेटल व्हिच एक्ट बाय द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी ड्यू टू इट्स डिके ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू रेजिस्टर इज कॉल्ड थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एबे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा ट्रांसफर, जोटा कि सब गवर्नमेंट एग्जाम डायरेक्ट आसे। देखो, ट्रांसफर्मर फास्ट क्वेश्चन देखो, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसफर्मर इज बेस्ड ऑन डैश। तार आंसर हम फाराडे लॉ। ए ट्रांसफर इज ए डिवाइस यूज इन द पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। द ट्रांसफर्मर करंट इज एसी। एसी हूँ अल्टरनेटिंग करंट।
इट इज कॉमनली यूज्ड टू इनक्रीज और डिक्रीज दिस सप्लाई वोल्टेज विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बिटवीन सर्किट। द ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन व्हिच इज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड। तर आंसर हम टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कॉमन ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन डैश। तर आंसर हम एसी। एसी टा कहते अल्टरनेटिंग करंट। ए कॉमन ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन एसी बिकॉज ईडी ऑपरेट ऑन डीसी डायरेक्ट करंट देन देयर नो एनी फ्लक्स कट बिटवीन द वायरिंग देयरफॉर नो ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर देयरफॉर ए कॉमन ट्रांसफॉर्मर ओनली ऑपरेट बाय एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर देखो देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द कॉइल ठीक अच्छे देयर इज नो लॉस इन द कोर एटा भी ठीक अच्छे द कोर हाज ए इनफाइनाइट परमियबिलिटी मैग्नेटिज्म एटा भी ठीक अच्छे। तर आंसर हम ऑल ऑफ देम। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हाज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक रहा बोथ कॉइल हैव जीरो रेजिस्टेंस देयर इज नो लॉस इन द कोर एटा भी हम द कोर हाज ए इनफाइनाइट परमियबिलिटी आउ आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैव 100% एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कोटा बेसिक कंपोनेंट नुहे देखो कोर है प्राइमरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल है ये सब ट्रांसफॉर्मर कौन कंपोनेंट कि म्यूचुअल फ्लक्स इज नॉट द मेन कंपोनेंट इन द ट्रांसफॉर्मर। म्यूचुअल फ्लक्स आरजेस व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज सप्लाइड द मेन कंपोनेंट इन ट्रांसफॉर्मर आर एक है कोर दूर रही प्राइमरी कॉइल तीन रोज सेकेंडरी कॉइल। लास्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स डैश। तर आंसर हम बोथ करंट एंड वोल्टेज। द ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टेटनरी डिवाइस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर एट द सेम फ्रीक्वेंसी। इट चेंजेस द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वीडियो को बहुत मात्र लाइक करो, शेयर करो एवं सब्सक्राइब करके मो चैनल को रखो।